Hi friends, welcome back to my channel mini vlogs Indian mom beauty fashion and lifestyle के बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ जैसे कि आप सबको पता है तो आज का वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था मुझे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और तो मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए मुझे तो आज का वीडियो जो है वो है हाउ टू यूज़ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन फॉर वॉशिंग योर क्लोथ्स तो मैं बताना चाहूँगी फ्रेंड्स इतना अच्छा है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को यूज़ करना और बहुत ही ईजी है और इस्पेशली मदर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे पास बच्चे के साथ थोड़ा भी टाइम नहीं होता है कि हम कपड़े अलग से धुलने के लिए टाइम निकाले इतना काम होता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी है कि फुली ऑटोमेटिक मशीन है आपके पास तो आपने कपड़े डाल दिए हैं वो वॉश हो रहे हैं टोटली आप अपना दूसरा काम भी कर सकते हो इसके अलावा हैवी हैवी बेडशीट्स होती हैं रजाई की कवर्स होती हैं पर्दे सोफ़ा कवर सब कुछ आप उसमें बहुत ही आसानी से धुल सकते हो मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स मुझे कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई पर मेरे व्यूअर्स को बहुत कंप्लेंट है उन्होंने बोला कि उसमें से अच्छे से हम वॉश नहीं कर पाते और कैसे वॉश करें कभी कुछ समझ नहीं आता तो मैं आपको बहुत ही अच्छा पूरा रिव्यू भी दूंगी वॉशिंग मशीन का और कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगी इसके अलावा मैंने दो ब्रांड की वॉशिंग मशीन यूज़ की है फ्रेंड्स वर्लपूल और एलजी मैं आपको दोनों का कंपैरिजन भी बताऊंगी एलजी मेरे मायके में है कानपुर में और वर्लपूल मेरे यहाँ ससुराल में है मैं यूज़ कर रही हूँ दोनों तो मैं दोनों को बताऊंगी और विच वन इज़ बेटर वो भी साथ साथ में बताऊंगी तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना और कुछ टिप्स हैं जो मैं उसमें कपड़े डालते डालते आपको सब बताती रहूँगी धीरे धीरे और तो ओके लेट्स स्टार्ट ये देख रहे हो फ्रेंड्स आप ये मेरी वॉशिंग मशीन है वर्लपूल की और अभी मैंने इसमें ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है पानी और सर्फ डाल दिया आप देख रहे होंगे कि इसमें सर्फ ऑलरेडी है और ये मेरी वर्लपूल की मशीन है अब आप फ्रेंड से देखो ये पूरी पूरा दिखा देती हूँ मैं आपको उसका लुक ये मेरी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है वर्लपूल की स्टैंड पे रखी हुई है बहुत ही अच्छे से और इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है सबसे पहला टिप मैं आपको इसको यूज़ करने के लिए ये बताऊँगी कि कभी भी आपको लोड्स धुलने कपड़े धुलने हैं तो उसके लिए पानी आप पहले से निकाल लो और उसमें सर्फ ऑलरेडी आप डाल दो वैसे तो मैं लिक्विड सर्फ यूज़ करती हूँ अगर आपके पास लिक्विड नहीं है तब भी आप उसमें नॉर्मल पाउडर वाला सर्फ यूज़ करके आप डाल सकते हो पर पानी और सर्फ पहले आप डाल लोगे तो इससे ये होता है कि अगर आपका पाउडर फॉर्म वाला सर्फ है तो वो ऑलरेडी इसमें मिक्स हो जाता है अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है जिससे आपके कपड़ों पर सर्फ नहीं लगता है और इसमें मैं आपको दिखा दूँ ऑलरेडी इसमें स्टैंड ये खोल रही हूँ मैं ये सर्फ का स्टैंड आता है इसमें सर्फ डाल देते हैं और हम इसको बंद कर देते हैं फिर आराम से पानी के साथ वो डिजॉल्व हो जाता है यहाँ पे भी इसके बहुत से इंस्ट्रक्शन और सब कुछ दिया हुआ है आपको अच्छे से दिखेगा इंस्ट्रक्शन आप मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा और इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं वो आप पढ़ सकते हो पर मैं इसको बता दूँगी तो आपको इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेंड्स और अभी मैंने इस वो फुली ऑटोमेटिक मशीन का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि हम इसको सेमी ऑटोमेटिक एज वेल एज फुली ऑटोमेटिक दोनों यूज़ कर सकते हैं पानी अगर आपके पास कम है तब भी आप इसको चला सकते हो ज़्यादा है तब भी आप चला सकते हो कभी आपका मन नहीं है कपड़े धुलने का तो आपने डाल दिए ये पूरा वॉशिंग कर रहा है और अगर आपका मन है कि नहीं मैं वॉश करके खुद ही उसको रिंस करूँ और सुखाऊँ धूप अच्छी है तो आप वो भी कर सकते हो तो ये सबसे पहला ही फ़ायदा इसका यही है कि इसको हम ऑटोमेटिक एज वेल एज सेमी ऑटोमेटिक दोनों यूज़ कर सकते हैं और इसके कुछ वर्लपूल के में इजी टेक के इसमें सबसे पहली बात इसमें लिंट फैक्टर है फ्रेंड्स लिंट फैक्टर का मतलब होता है बेडशीट धुलते हैं टॉवल्स धुलते हैं उनमें रोए होते हैं लिंट्स होते हैं ये मेरी वर्लपूल की मशीन लिंट्स अलग से सेपरेट कर देती है तो लिंट आपके कपड़ों में अलग से चिपकता नहीं है दूसरा ये मेरी वर्लपूल की वॉशिंग मशीन की एक फैसिलिटी है मतलब एक और प्लस पॉइंट है कि ये आपको डिटर्जेंट भी बताती है स्मार्ट डिटर्जेंट कितना आपको कितने पानी में कितना डिटर्जेंट डालना है वैसे आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग ही डालती हूँ और अपने अकॉर्डिंग ही डालती हूँ जितना भी है अब आप देख रहे हो यहाँ जितना मैंने पानी ऑन किया था ये फुल हो गया है तो अब मैं अपने क्लोथ्स लाऊँगी बेडशीट लाऊँगी जो इसमें मैं डाल दूँगी और फिर इसका वॉशिंग स्टार्ट हो जाएगा ओके फ्रेंड्स तो क्लोथ्स लेके आते हैं ये कुछ एक दो बेडशीट है और मेरी मदर इन लॉ की हैं कपड़े तो वो मैं इसमें एक एक करके सारे कपड़े डाल दे रही हूँ और ये कपड़े भी डाल दे रही हूँ आप देख रहे हो इनको आराम से आपने कपड़े डाल दिए इसमें और
एक चीज और, जितना आपका लोड है अब ये स्टार्ट हो जाएगी, वो अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको इसके बाद एक एक फंक्शन बताऊंगी। अब ये आप देखो, मैं अभी उठाऊंगी तो मशीन ऑलरेडी चल रही है, पर उठाने की वजह से ये बंद हो गई। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट को क्या बताना चाहूंगी कि आप जितना लोड डाल रहे हो, मेरी दूसरी टिप है, जितना लोड डाल रहे हो उससे थोड़ा सा वाटर लेवल एक्स्ट्रा रहे। अगर आपने 4-5 कपड़े डाले हैं तो आप थोड़ा सा वाटर लेवल ज़्यादा लेके चलोगे तो कभी भी आपके कपड़ों पे थोड़ा सा भी सर्फ नहीं रहेगा। अब मैं इसमें एक एक फंक्शन बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, आप जूम करने पे दिखेगा, ये देखिए जूम करने पे पूरा दिख रहा है। इसमें पूरे 12 फंक्शन हैं डेली। डेली का मतलब है आपके सिंपल कपड़े हैं जो डेली यूज़ होते हैं उनको वॉश करने के लिए, हैवी क्लोथ्स हैं जैसे बेडशीट के हो गए, पिलो कवर्स हो गई और रजाई की कवर हो गई और पर्दे हो गए, वो सब हैवी पे। डेलिकेट बहुत ही आपके कॉटन के सूट्स हैं, कुछ भी डेलिकेट मटेरियल है तो वो सब आप इस डेलिकेट में धुल सकते हो। आपके वाइट कपड़े हैं उनको अलग सेपरेट वाइट में धुल सकते हो। स्टेन वॉश बहुत ज़्यादा हैवी जो स्टेन वॉश है, स्टेन वॉश बहुत ही गंदे कपड़े हैं उनको स्टेन वॉश में, साड़ी को धुलने के लिए अलग से इसमें फंक्शन है, वूलन क्लोथ्स धुलने के लिए अलग से है, बेडशीट के लिए भाई अलग से है, आपकी बहुत ही हैवी अलग से बेडशीट है। और रिंस प्लस स्पिन, अगर आपने कपड़े ऑलरेडी हाथ से अपने मैनुअली धुल चुके हैं तो आप उसको रिंस और स्पिन भी कर सकते हो। रिंस स्पिन का मतलब होता है ये खंगार देगी और सुखा के दे देगी आपको। स्पिन ओनली फंक्शन, स्पिन ओनली का मतलब होता है ये पूरा सुखा के दे देगी आपको और सिर्फ सुखाएगी। आपने कपड़े भी धुल लिए, खंगार भी लिए हैं तो आप उसको सुखा भी सकते हो। वॉश ओनली फ्रेंड्स, आपके यहाँ पानी कम है, आप नहीं चाहते हो कि मशीन रिंस करे सुखाए, तो आप वॉश ओनली कर सकते हो। ये एक फीचर आप हमेशा जब भी मशीन लीजिएगा जरूर चेक करिएगा कि आपकी मशीन में वॉश ओनली है कि नहीं है। वॉश ओनली बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वॉश ओनली का मतलब है वो पानी आपका नहीं फेंकेगी, पानी आपका नहीं निकालेगी जब तक आप नहीं चाहोगे। आपने 30 मिनट का किया है, 40 मिनट का किया है, वो तब तक वॉश करती रहेगी। मैंने अभी वॉश ओनली पे ही चुना है और प्रोग्राम नंबर 11 चुना है और हाई लेवल पे चुना है वाटर, तो वो वॉश ओनली करेगी। अगर आप किसी और काम में बिजी हो, आपकी पाइप बाथरूम में नहीं रखी है, गलती से आप भूल गए या बच्चों ने हटा दी, तो आपका पानी हर जगह नहीं फैलेगा। आप जब चाहोगे, जब पानी निकालना चाहोगे तभी निकालेगी। इसलिए वॉश ओनली का फंक्शन हमेशा जब भी मशीन लीजिएगा तो चेक करिएगा। एक्वा स्टोर मतलब आप पानी अलग से स्टोर कर सकते हो। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे टाइमिंग बता रहा है मिनट में, 29 मिनट वॉश ओनली, सिर्फ 29 मिनट ये वॉशिंग का टाइम बता रहा है और इसमें सोक भी करेगा। अभी ये वॉश कर रहा है इसलिए ग्रीन पे लाइट आ रही है, जब सोक करेगा तो सोक, जब रिंस करेगा तो रिंस, स्पिन करेगा तो स्पिन। इसके अलावा इसमें एक्सप्रेस वॉश और चाइल्ड लॉक का भी फंक्शन है। डिले वॉश आप चाहते हो मेरा और अच्छे से ज़्यादा गंदे हैं, डिले वॉश हो जाए तो डिले वॉश को दबा के आप डिले कर सकते हो। जल्दी चाहते हो 20 मिनट्स में आपके 2-3 कपड़े हैं, फटाफट वो धुल भी जाए, रिंस भी हो जाए, सूख भी जाए, तो एक्सप्रेस वॉश कर सकते हो। और अब बात करते हैं वाटर लेवल। वाटर लेवल आप मैनुअली इसको सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर मैनुअली नहीं भी सेलेक्ट कर रहे हो तो आपने सबसे पहले कपड़े डाले तो मशीन, आपने जैसे ही पावर ऑन करोगे वैसे ही वो मशीन डिटेक्ट कर लेगी कि आपके कपड़ों के हिसाब से कितना वाटर लेवल लेना है, वो तो ऑटो में आ जाता है। और अगर आप चाहते हो नहीं, कम कपड़ों, कम पानी है और कम में ही धुलने हैं, तो आप मैनुअली ये बटन दबा के जैसे मैंने किया था सेट कर लिया। मैंने हाई सेट किया है मैनुअली, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने ये पॉज किया, स्टॉप कर दिया, अब ये मैनुअली बटन आप जितना वेरी हाई हो गया, लो हो गया, मीडियम हो गया, जितने पे भी रखना चाहते हो उतने पे रख सकते हो। तो मैं वापस से हाई करके मैंने ये स्टार्ट कर दिया, मशीन वापस से स्टार्ट हो जा रही है। ये फ्रेंड्स दिखा रही है कितने कप आपको सर्व डालना है, 1.5 कप आपको हाई के अकॉर्डिंग वो बताती है, 1.5 कप आपको सर्व डालना है। और इसके अलावा हार्ड वाटर वॉश, अगर कभी कभी बहुत से एरिया में हार्ड वाटर होते हैं, नमक बहुत ज़्यादा होता है पानी में, तो उसके लिए भी इसमें फंक्शन दिया है। हार्ड वाटर वॉश है तो आप इसको दबा देंगे तो आपका हार्ड वाटर है, तब भी आपके ये कपड़े बहुत अच्छे से धुल जाएंगे। डीप क्लीन का फंक्शन एक और दिया है। डीप क्लीन मतलब है बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग, बहुत ही अच्छे से कपड़े डीप क्लीन चाहते हो तो ये टाइमिंग और लेता है, और आपके बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किए हैं कपड़े गंदे हैं, तो वो आराम से डीप क्लीन कर देगा। दूसरा, इस मेरी मशीन स्टेन वॉश डीप क्लीन है, 6 सेंस डीप क्लीन है, वर्लपूल की है, और 10 स्टेन रिमूवल मेरी वॉशिंग मशीन है। ये हमने एक साल हो गया हमें लिए हुए, और वर्लपूल कंपनी की आप देख रहे हो, और ये टोटल हमें 20,000 की पड़ी थी, और ये हमने ली थी भोपाल के डीबी मॉल के रिलायंस डिजिटल रिलायंस से ली थी।
रिलायंस डिजिटल से ली थी और हमें 20,000 की है, बहुत ही अच्छी सी पड़ी थी। और कपड़े इसमें बहुत ही आराम से धुल भी जाते हैं, सूख भी जाएंगे, ये आपको पूरा करके देगा। और अभी आप देख रहे हो वॉशिंग हो रही है और वॉशिंग के बाद ये पानी निकाल देगा। यहाँ पे पाइप है जो हम यहाँ पे मैं डाल देती हूँ और फिर पानी निकाल देता है, पर मैं अभी वॉश पे वॉश ओनली पे धुल रही हूँ तो ये पानी अभी नहीं निकालेगा। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी बिट्टू बाथरूम में नहा रही है अपने आप ही, तो शैतानी कर रही थी। तो हम ये मैंने आपको इसके सारे फंक्शन बता दिए। और इसमें एक ही चीज़ की मुझे प्रॉब्लम हुई एल जी के कंपेरिजन में, एल जी में ये सब कुछ फंक्शन है एवरीथिंग, इसमें एक बीच में पाइप है मशीन के टब में, एक पाइप मैं आपको स्टॉप करके दिखाती हूँ। इसमें वर्लपूल मशीन बस यहाँ पे मैं दिख नहीं रही अभी, सॉरी, एक पाइप आती है, मैं आप दिखा, पाइप मतलब वो बीच में एक घूमने के लिए आपके जो घूमते हैं कपड़े उसके लिए एक बीच में पाइप दी है। एल जी में ये पाइप नहीं रहती, तो बेनिफिट ये है बस एल जी का कि वर्लपूल मशीन में पाइप होने की वजह से इसमें कपड़ों की टैंगलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कपड़े पूरी तरफ चारों तरफ टैंगल कर जाते हैं, घूम गए हैं तो थोड़ा सा आपको निकालने में सूखने के बाद दिक्कत होती है। और एल जी में ये बीच में पाइप नहीं होती घूमने वाली, पूरा ड्रम होता है स्टील का, तो उससे क्या होता है उसमें कपड़ों की टैंगलिंग और आपके कपड़े एज इट इज निकलते हैं बहुत आसानी से। इसमें मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में जब वो टैंगलिंग हो जाती है तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है, पर फिर भी निकाल लेते हैं हम कपड़े। और एलजी वाली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड्स। और अभी आप थोड़ी देर बाद, इसमें अभी वॉशिंग हो रहा है, वॉशिंग के बाद ये रिंस कर देगा। मैं अभी वॉश ओनली मैंने सेलेक्ट किया है, वॉश ओनली के लिए मैं अगर चाहती हूँ मेरा बेडशीट गंदा है तो मैं 25 मिनट और बढ़ा सकती हूँ, तो मैं यहाँ से वाटर लेवल एक बार इस मशीन को और चला सकती हूँ। उसके बाद मैं रिंस प्लस स्पिन कर दूंगी तो ये अपने आप ही पूरा पानी, ये गंदा पानी निकाल के साफ पानी लेके रिंस भी कर देगा और अच्छे से स्पिन करके सुखा के कपड़े दे देगा। लेकिन मैंने तो अभी आपको बताने के लिए वॉश ओनली पे कर लिया था, लेकिन अगर आप चाहते हो बेडशीट तो प्रोग्राम नंबर 8 सेलेक्ट करके बेडशीट डाल के आप सेलेक्ट कर देते प्रोग्राम 8, फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, ये आपको कोई मैनुअली काम नहीं करना है, ये अपने आप ही प्रोग्राम में टाइमिंग सब कुछ सेलेक्ट करेगा, बस आपको सर्फ डालना है, बाकी वो सब कुछ ले लेगा पानी वानी और आपको लास्ट में एंड में सुखा के कपड़े दे देगा फ्रेंड्स। तो इसलिए और बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही अच्छी है। और टिप्स में मैं यही बताना चाहूँगी कि हमेशा आपके घर की जितनी भी टॉवल्स हैं उनको अलग वॉश करिए, टॉवल इकट्ठे करके, बेडशीट है तो उनको बेडशीट एक दिन इकट्ठा कर लीजिए, छोटे बच्चों के ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं तो एक बच्चों के कपड़े अलग एक बार एक और अलग इकट्ठा कर लिए, वाइट कपड़े अलग धुलिए, तो कभी आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं है फ्रेंड्स, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी है। और अगर आपने टॉवल भी वाइट कपड़ा भी डाल दिया, कुर्ती भी डाल दी, बच्चे की भी डाल दी, सब मिक्स, तो आपके कपड़े में वाइट कपड़े खराब हो जाएंगे, उनमें लिंट लग गया टॉवल का, टॉवल के रेशे लग गए, बच्चों के गंदे कपड़ों के कलर छूट गया बाई चांस, तो आपके पूरे वाइट शर्ट सब खराब हो जाएंगे। मैं अपने पति देव के और अपने ससुर जी के वाइट शर्ट अलग डालती हूँ, अलग इसको वाइट, जिस दिन मुझे वाइट धुलना होता है वाइट धुलती हूँ, उसमें हैंकीज डाल देती हूँ, वाइट कोई चीज़ है तो वाइट वाली सब एक साथ धुलती हूँ, और घर के टॉवल सारे इकट्ठे करके एक दिन धुलती हूँ। और साड़ी वगैरह है मम्मा की तो वो अलग धुल लेते हैं, मेरे कॉटन की कुर्तीज है जो थोड़े से कपड़े कलर छोड़ेगी उनको अलग में अलग धुल लेती हूँ। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स, आप रोज़ थोड़ा थोड़ा लोड निकालिए, थोड़े थोड़े कपड़े रोज़ धुलिए, तो कभी आपको दिक्कत आनी ही नहीं है, ना आपका पानी ख़त्म होगा ना आपके कपड़े में दिक्कत होगी। आपने अगर इसको हैवी लोड बहुत ज़्यादा भर दिया है तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है, इसलिए जितना भी थोड़े थोड़े कपड़े आप रोज़ धुलेंगे तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और जितना आप कपड़े ले रहे हैं उससे थोड़ा सा वाटर लेवल बढ़ा लीजिए। तो सबसे अच्छी बात इन मशीन की यही है कि आप इसको दोनों तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि मेरे भोपाल में कभी कभी पानी की हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं वॉश ओनली यूज़ कर करके वॉश ओनली करती हूँ, उसके बाद रिंस खुद कर लेती हूँ और स्पिन ओनली यूज़ करके स्पिन सुखा के बाहर डाल आती हूँ। और कभी कभी तो जब पानी की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेनी सीजन में कभी प्रॉब्लम नहीं आती, तो आराम से कपड़े इसमें धुलते हैं और बाहर स्पिन होके सुखाते हैं। और रेनी सीजन में यहाँ पे भोपाल में जैसे बहुत बारिश होती है, कभी कभी कपड़े हम बाहर नहीं डाल सकते, इसमें सूखे कपड़े मैं फैन के नीचे अपने स्टैंड पे डाल देती हूँ बस, और उस सुबह मिल सुबह जगते हैं जब हम तो पूरे कपड़े एकदम बढ़िया सूखे हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी वॉशिंग मशीन का मैंने आपको पूरा डेमो दे दिया। और एल जी की वॉशिंग मशीन जो मेरे मायके में है, सब कुछ उसमें सेम ऐसे ही फीचर हैं, और बस उसमें मैंने वो ये टैंगलिंग वाला जो पॉइंट बताया वो उसमें टैंगलिंग का पॉइंट, टैंगलिंग की प्रॉब्लम नहीं है,
और 20,000 की वो भी ली थी, पर उसमें वाइट कलर मिला हमें 20 की रेंज में, और यहाँ वर्लपूल में 20 की रेंज में मुझे मैरून कलर मिल गया जो मैं चाहती थी। तो एलजी और वर्लपूल दोनों ही यूज़ किए मैंने, तो दोनों ही मुझे अच्छी लगी, बट मेरे को सिर्फ पैनलिंग की वजह से मैं एलजी को एक नंबर ज़्यादा देना चाहूँगी, उसको 10 out of 10 दूंगी, इसको 10 out of 9 दूंगी फ्रेंड्स। बाकी सारे फंक्शन सेम है, उसमें ही वॉश ओनली का फंक्शन है, स्पिन का फंक्शन है, सारे फंक्शन उसमें बाकी सब सेम है। आप उसको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हो और जो मशीन के प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही बहुत अच्छी मशीन है, आप अपने बजट में, 20,000 हमारे बजट में है, हम ले सकते हैं, तो प्लीज़ स्टे फॉर कोशिश लीजिए और यूज़ करिए, और फिर मुझे बताइए कि आपको यूज़ करके कैसे लगा। इसके अलावा आपको मेरा ये वीडियो तो वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। और अभी मेरे कपड़े ये वॉश हो जाएंगे तो मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे रिंस हो रहा है और कैसे स्पिन करके मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। अब आप देख रहे हो मैंने रिंस और स्पिन का प्रोग्राम सेलेक्ट कर दिया है, प्रोग्राम नंबर 9। अब ये ग्रीन लाइट आ रही है रिंस पे और स्पिन पे, 22 मिनट में वो रिंस और स्पिन दोनों करके दे देगा, और यहाँ से वो पाइप से पानी निकल रहा है, आप देख लो जितना भी गंदा पानी है वो सारा पानी निकल जाएगा, मैं इसको उठा नहीं सकती, नहीं तो बंद हो जाएगा। अभी जितना भी पानी है इसका गंदा वो निकल जाएगा, उसके बाद ये साफ पानी में रिंस कर देगी। और फ्रेंड्स, मेरी वर्लपूल की मशीन 2 बार रिंस करती है और फिर लास्ट में 6 मिनट में स्पिन करती है, और टोटल कंप्लीट करके ये आपको कपड़े लास्ट में एक ट्यूनिंग बचती है, बस आपके कपड़े हो जाते हैं और आप उसको बाहर डालने के लिए आराम से डाल सकते हो। फ्रेंड्स, अब ये जो साफ़ पानी लेगी वो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी गंदा पानी वो निकाल रही है। उसके बाद जो ये साफ़ पानी लेती है रिंस के लिए फ्रेंड्स, उसमें मैं कंफर्ट यूज़ करती हूँ। कंफर्ट जो है वो फैब्रिक के लिए बहुत अच्छा है, कपड़ों के लिए बहुत अच्छी स्मेल रहती है, कपड़ों के कलर नहीं जाते, तो मैं साफ पानी में कंफर्ट डाल देती हूँ। अपने बेबी के क्लोथ धुलती हूँ तो मैं डेटॉल डाल देती हूँ उसी रिंसिंग टाइम में, तो आराम से डेटॉल की स्मेल भी रहती है और कंफर्ट जो कपड़ों के लिए डालती हूँ स्मेल के लिए, अच्छी स्मेल के लिए, वो स्मेल भी बनी रहती है। तो जब आपका ये गंदा पानी निकल जाता है, जो साफ पानी रहता है, उसमें आप डेटॉल, कंफर्ट, कुछ भी आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितना गंदा पानी निकल रहा है, ये पूरी मशीन घुमा रही है, स्पिन टाइटली स्पिन पूरा स्पिन कर रही है, जितना भी गंदा और सर्फ वाला पानी है वो सारा आपसे ड्रेन आउट हो जाएगा और सिर्फ अच्छे पानी, उसके बाद ही अच्छे पानी से स्पिन करेगी, आप रेंस से स्पिन करेंगे। देखिए कितनी तेज इसमें आवाज़ आ रही है मशीन में, बहुत ही बढ़िया, ये कपड़ों को अच्छे से सारा उसका जितना भी सर्फ वाला पानी है सब निकाल देगी और उसके बाद रेंस और स्पिन करेगी। अब आप इसको पूरा देखिए, और अब ये थोड़ी देर में जब रिंस वाला पानी साफ लेगी तो मैं उसका भी वीडियो आपको अभी आप देख लोगे, अपने आप बंद हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। अब देखो यहाँ से गंदा पानी निकलना बंद हो गया फ्रेंड्स, अब जो गंदा पानी था वो निकलना बंद हो गया, साबुन का जितना भी सर्फ वाला पानी था सब निकल गया। फ्रेंड्स, ये साफ़ पानी से रिंस कर रहे हैं, इसमें तो नहीं दिखेगा, मेरी इमेज आएगी, ये देखिए साफ़ पानी से पूरी चीज़ें रिंस हो रही हैं सारे कपड़े, और ये अभी आपको एक बार कर रहा है, फिर इसके बाद ये फिर से करेगा, है ना, फिर आपको सूखे हुए कपड़े मिलेंगे। वो निकाल दिया उसने पूरा साफ बाहर, अब ये उसको फिर से एक बार स्पिन करता है ताकि जो थोड़ा बहुत सर्फ बचा हो वो सब भी वो एक फर्स्ट वाले रिंस में निकाल देता है। अब ये इसके बाद फिर से दोबारा साफ पानी लेगा और इतने साफ क्लीन कपड़े निकलेंगे फ्रेंड्स कि आपको बिलीव नहीं होगा। और जो मैंने कंडीशनर डाला है फैब्रिक कंडीशनर, उससे तो स्मेल कपड़ों में इतनी अच्छी आएगी और चमक एक अलग सी बनी रहेगी। तो आप ये देख रहे हो ये अभी दोबारा फर्स्ट रिंस निकाल दे रहा है। अगर आप चाहते हो कि एक ही बार रिंस करना है, कम पानी है, तो इतने पे आप स्टॉप कर सकते हो, आपको ये कंप्लीट सूखे हुए कपड़े ही मिलेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार स्टॉप करके, अब ये स्टॉप नहीं भी खुद ही स्टॉप हो जाएगा, तो आप उतने पे दोबारा जो रिंस है उससे पहले आप देख लेंगे कि वो सूखे हुए ही कपड़े रहते हैं। और अगर आप जब चाहते हो कि नहीं एक बार और रिंस हो जाए, पानी जाता है अच्छे से हो जाए, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। कपड़े सूखे हुए हैं, अब ये दोबारा पानी लेगा, लेकिन आप नहीं चाहते, देखो एकदम सूखे कपड़े हैं, अगर आप नहीं चाहते हो तो इतने पे ही स्टॉप करके आप इनको डाल सकते हो। अभी भी ये पूरे कपड़े वॉश होके बढ़िया सूख चुके हैं, पर मैं चाह रही हूँ एक बार और रिंस हो जाए, क्योंकि अभी मेरे यहाँ पानी की कमी नहीं है। तो अभी आप ये देख रहे हो सारे कपड़े एकदम सूखे हुए हैं और बढ़िया, तो मैं चाह रही हूँ एक बार और रिंस हो जाए, तो अभी मैं फिर से इसकी लिड बंद कर दूँगी तो वो पानी लेने लगेगा। और आप अगर एक रिंस पे ही सुखाना चाहते हो तो बस कपड़े निकाल के निकाल के बाहर डाल के आ जाइए, सूख जाएंगे और 15 मिनट के अंदर सारे कपड़े सूख जाते हैं। अब आप देख रहे हो पानी लेने लगा,
दोबारा एक बार और अच्छे से रिंस हो जाएंगे, उसके बाद ये फिर ऐसे ही कपड़े सूखे होंगे। पीपल लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, थम्स अप दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको टैप करना नहीं भूलिएगा, तो मेरे वीडियोज ऐसे ही आते रहें और आपको पता चल जाए, तो प्लीज़ टैप ज़रूर करिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून, लव यू गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे ही यूज़फुल और बढ़िया से वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, रिंस भी हो गया, वो रिंस का पानी निकाल रहा है, आप देख रहे हो साबुन का पानी पूरा निकाल दे रहा है, और ये 5 मिनट अब पूरा स्पिन कर देगा आपके क्लोथ्स को, अब पूरी तरह वो ड्राई हो जाएंगे, बस आप उसके बाद जा करके आराम से बाहर डाल के आ जाइए। अभी तो मेरे यहाँ बहुत अच्छी धूप है तो मैं बाहर ही डालाऊंगी, अभी पूरे 5 मिनट तक स्पिन करेगा, आप नहीं चाहते हो तो बीच में स्टॉप कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और हो जाए स्पिन, तो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स, एंड लिख के आ गया, एक रिंग भी बच गई कि आपका हो गया है, क्लोथ्स कंप्लीट हो गए हैं पूरी तरह। अब आप देख रहे हैं ये पूरे कपड़े सूख गए हैं, अब बस मुझे इनको निकालना है और बाहर डाल के आना है। ये आप देख रहे हो मेरे ये कुर्तीज़ वगैरह मैंने डाली थी, लेगीज़ वगैरह, ये पूरी सूख चुकी हैं, बस 5-10-15 मिनट के लिए अब हमें इसको बाहर थोड़ा सा मुझे डालना होगा, दिखा सुखाना होगा, और उसके बाद ये पूरी तरह से एकदम बढ़िया कपड़े हो जाएंगे। ये बेडशीट भी मैंने एक डाल दी थी, कुछ कुर्तीज़ भी डाल दी थी, रेंडम कपड़े थे जो मैं डाल सकती थी, तो आप ये देख रहे हो साइकिल कम्प्लीट, पूरे वॉशिंग कम्प्लीट, और अब आपको कुछ नहीं करना, बस बाहर डाल के आ जाना है फ्रेंड्स। सो बाय बाय, मैं इसको बाहर डाल के आ जाऊँ।